का प्रेम लिया जा रहा है। वो तो बैठे हैं आराम से, देखे कैसे क्या है। बोकर नहीं है कि तुम चल लोगे। डुकू थोड़ी थोड़ी दूर पे सबको बैठे देने की बारी से। डुकू वो तो बोले से डुकू। हाँ हाँ वो बेल्ट बांधेंगे ना, ये तो कूदेगा, ये है ना बेल्ट। और तुम पहले ही खड़े हो लो, तुम पहले ही खड़े हो लो। चलो पीछे बैठो। अब हैप्पी तुम्हारा सामान ओए, मोदी का गया है, उसी में लगा हुआ है। ये है चरण पादुका मंदिर, जहाँ से दी जीजू बच्चे सब लोग आ गए हैं। दर्शन करने गए थे, आ गए, निकल गए। मैं नहीं गई थी। क्यों नहीं गई थी? क्योंकि हमारे डुगू नन्नू कर रहे थे, इसलिए मैं नहीं गई थी। दीदी लोग सब लोग आ गए। आप लोग वहाँ खड़े हो जाते, मैं फ़ोटो खींच लेती ना इस मंदिर के बाहर का। सब लोग, आप सब लोग की बात कर रहे हैं। हाँ आ जाए तो, और सब लोग आ गए हैं। अब इन लोग की मैं फ़ोटो खींच लूँ, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी आई हुई हूँ, दर्शन भी किए। तो मैंने कहा बाहर से हाथ जोड़ लेती, क्योंकि डुगू के पास भी होना ज़रूरी है किसी का। सब लोग चल चल के थक चुके हैं। कितने किलोमीटर बचा है? 2.5 किलोमीटर अभी और है। अभी हम लोग चल चल के रुक रहे हैं। हम लोग 7 बजे से स्टार्ट किए, तो अभी टाइमिंग क्या हो गया? 11:30। देखते हैं एग्जैक्ट टाइम कितने बजे पहुंचते हैं। जितने बजे पहुंचेंगे तो बताएंगे आप लोगों को भी। चल रहे हैं फिर भी हम लोग धीरे धीरे, हम लोग ज़्यादा रुके नहीं हैं। बस 2-3 मिनट का गैप वो रेस्ट लिया था ना जी। बस हम लोगों ने 2-3 मिनट का रेस्ट लिया बस, और कंटिन्यू चलते जा रहे हैं। और बल्कि बच्चों की सबसे बात है, इनको बोला गया था घोड़ा पालकी कुछ भी किसी पे ले लो, साफ बोल के नहीं जाएंगे तो पैदल जाएंगे। हम लोग से ज़्यादा एनर्जी तो इन्हीं लोगों में, ये लोग पैदल ही चल रहे हैं बच्चे, और बड़े अच्छे से, हाँ थक भी नहीं रहे। अरे बोलो मिल के बोलो, जोर से बोलो। मैं नहीं सुनिया। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। गाइस देखिए हम लोग फाइनली पहुंच गए माता के भवन। हम लोग आ गए हैं गाइस यहाँ प्रसाद लेने के लिए। प्रसाद हम लोगों ने ले लिया, चलिए हम लोगों ने प्रसाद ले लिया है। अब हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि ये लोग कहाँ हैं? नीचे। तो अब हम लोग जा रहे हैं नीचे। हम लोग ऊपर आए थे प्रसाद का, यहाँ वेट कर रहे थे। यस प्रसाद ले लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे? लॉकर लेना है, ले करके सामान रख के, उसके बाद तो कैमरा और फोटो वीडियो सब कुछ अलाउ नहीं होगा। हम लोगों ने भैरव बाबा की चढ़ाई अब करने जा रहे हैं। माता रानी का दर्शन हो गया है, क्योंकि लॉकर के पास है फोन, बताइए वहीं पे हो जाते हैं जब, और सब कुछ लॉकर में रखना पड़ता है, तो वहाँ से फोन फोटो वीडियो कुछ भी हम बना नहीं सके। अब उसके वहाँ से निकले, फिर हम लोग खाना खाएँ अभी सब लोग, क्योंकि इस समय रात के बज गए। अब रात के नहीं कहेंगे, सुबह के 4 बज गए। हम लोग दर्शन 2 बजे किए, 2 बजे कर लिए थे ना। हाँ दर्शन 2 बजे कर लिए थे, 1 बजे किए थे। अच्छा 1 बजे, मतलब हम लोग इतना देर रुके ना, 1 बजे दोबारा गए ना दर्शन के लिए। हाँ तो मतलब कि 2 बार में दर्शन हुआ है हम लोग का, तो दर्शन 2 बार भी करे। फिर उसके बाद हम लोग 3 बजे आके यहाँ पे बैठे थे खाने के लिए ना, करीब 3 बज गए। तब हम लोग खाना वाना खा लिए, अब हम लोग जा रहे हैं भैरवाऊ चढ़ाई करने के लिए। वेट करें मॉर्निंग तक, रोपवे का 7 बजे तक, तब तक हम लोग चढ़ाई करके दर्शन भी कर लेंगे, वापसी कर लेंगे, इसलिए कोई रुकना नहीं चाहता। बैग नीचे। अब हम लोग भैरवाऊ की चढ़ाई चढ़ रहे हैं, कर रहे हैं। हमारे डुब्बू आराम से उसके अंदर सो रहे हैं, हम लोग अब चढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए ठीक है, चढ़ाई करके देन हम लोगों से मिलते हैं। तो गाइस हम लोग भैरव बाबा के दर्शन कर चुके हैं, अब यहाँ से अब हम निकलेंगे बस। और टाइम हो रहा है सुबह के, बज गए हैं 5:30।
5:30 बजे हमने भैरव बाबा के दर्शन कर लिए। इतनी जल्दी जल्दी फटाफट हम लोगों ने सब कुछ कर लिया है। अब देखते हैं अगर मॉर्निंग होती है क्या होता है, व्यू आया अच्छा सा बढ़िया था तो थोड़ी सी फोटो ले लेंगे, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। ये है गाइस भैरव बाबा का मॉर्निंग का व्यू, यहाँ का वो है माता रानी का दरबार जो दिख रहा है भवन, जहाँ से हम लोग अभी आए हैं। और ये है मॉर्निंग वाइब्स यहाँ की भैरव मंदिर की। देखिए ये है भैरव मंदिर, यहाँ ये सब यहाँ पर सेल्फी पॉइंट है, हम लोग भी ले लिए हैं सेल्फी वगैरह। बस अब हम लोग भी सेल्फी वगैरह ले लिए हैं, बस अब हम लोग फिर निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि जल्दी निकलेंगे तो जल्दी से हम लोग नीचे पहुँचेंगे। तो गाइस हम लोग दर्शन करके, आप बताए थे भैरव बाबा का दर्शन जब मॉर्निंग कर लिया था करके हम लोग सीधे डायरेक्ट निकल गए थे, आज दोपहर ही गए थे। बट उस समय क्या था, मेरे फ़ोन की बैटरी हो चुकी थी डिस्चार्ज, तो इस वजह से मैंने उधर का कोई भी ब्लॉग फिर बनाया नहीं। सीधे हम लोग आ गए घर, और हम लोग घर आए हैं कितने बजे, 3 बजे तक आ गए थे ना, हाँ है ना, हाँ हम लोग 3 बजे तक हम लोग घर आ गए थे। इतने थके थे सब लोग कि सब के सब ऐसे ही कैसे पड़े हुए थे। और इस टाइम पर मैं बता दूँ आपको, टाइम हो रहा है रात के 9 बज रहे हैं, और रात के 9 बजे हम दो लोग तो फिलहाल ज़्यादा नहीं सो पाए। क्यों, रीज़न ये बैठे हैं देख लीजिए, डुगू डुगू ये अपने खेलने में ही मस्त हैं, और बाकी उधर देखिए उधर जीजू उधर धरू, और सब के सब मतलब दी श्री सब लोग अपना सोए पड़े हैं, अभी सब के सब सो रहे हैं। नींद तो आ रही है, थकावट आ रही, लेकिन ये बच्चा, इसको कहीं से कोई थकावट है ही नहीं। ये ये बच्चा तो थका ही नहीं है, इसको थका ही नहीं लगती है। हाँ ये बने में मस्त, हाँ हाँ अभी जगते रहेंगे तो हम लोग तो नहीं सो सकते ना, तो हम लोग भी बस इन्हीं के साथ साथ लगे हुए हैं। एक थोड़ा सा सोए थे पर तब सोए थे, फिर एक टाइम ऐसा था जिस टाइम पर हीरो संभाल रहे थे मैं थोड़ा सो ली थी, और एक टाइम मैं संभाल ली थी तो हीरो सो लिए थे, तो हम लोग का तो ऐसे ही चल रहा है अभी। लेकिन बहुत ज़्यादा थकाई लगी है, पैर वैर सब दर्द हो रहे हैं। चलिए अब इस ब्लॉग को भी यही एंड कर दें, तो बहुत लंबा हो जाएगा। मिलते हैं आप लोगों से नए ब्लॉग के साथ, अब पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग, कहाँ जाते हैं, जो भी होगा आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए बाय गाइस।